ओम शांति, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधा सुधर ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम चर्चा करेंगे 24 मार्च के ईश्वरीय वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम ये ईश्वरीय ज्ञान लें, जहाँ पे परमात्मा हमें सारे रचना की ड्रामा कैसे बना हुआ है, शुरुआत से लेकर के कोई मूवी का जैसे इंटरवल आता है, वो इंटरवल कब हुई इस दुनिया के एक्टिंग की, ड्रामा की, और इस दुनिया के एक्टिंग की ये मूवी कब ख़त्म कब होने वाली है, और फिर से रीस्टार्ट कब होगी, तो रीप्ले कब होगा। तो परमात्मा ने सारे रेवलेशंस कर दिए हैं, सारा खुलासा कर दिया है, तो हमें सारे तीनों कालों का बता दिया है। तो इसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या क्या हो सकता है, तो हमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। तो देखें परमात्मा कहते हैं इसके बारे में, बाबा कहते हैं, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्मयोगी भव। मूंझना मतलब कन्फ्यूज होना। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, मतलब उनको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, परमात्मा ने पहले ही बता दिया है कि स्क्रिप्ट कैसी लिखी है, फ्यूचर में क्या क्या एक्शंस होंगे, क्या क्या एक्टिंग होगी, कौन सी आत्मा क्या क्या रोल प्ले कर सकती हैं ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब कि पूरे जगत के अनुसार। तो हम कन्फ्यूज़ नहीं हो सकते, मूंझ नहीं सकते, ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, उस देश ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, उस व्यक्ति ने ऐसे नहीं करना चाहिए था, उसको इतनी समझ नहीं, इतनी उसको अकल नहीं, हम ये कह ही नहीं सकते। जब हमें ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं, हमें पता है मंजिल है, हमें परमधाम वापस जाना है, ये नाटक ख़त्म होने वाला है, मतलब कलयुग ख़त्म होने वाला है। तो दुनिया में जो भी हो रहा है, आज आप न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वो सब कुछ हो रहा है ये नाटक को ख़त्म करने के लिए। तो हम मूंझेंगे नहीं, हमें पहले पता है सब कुछ। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, वो मौज में रहते हैं, क्योंकि उनको सारा टेस्ट पेपर पता है, कोई अगर टेस्ट पेपर लीक हो जाता है तो आप मौज में रहते हो ना। तो ये दुनिया के ड्रामा का टेस्ट पेपर परमात्मा ने लीक कर दिया है, कैसे लीक किया है, उसके लिए आपको 7 दिन का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। चाहे परिस्थिति मुंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी। मौज में क्यों बदल देगी, क्योंकि उसको पता है कि इस परिस्थिति में मुझे अपने आप को लाइट कैसे रखना है, हल्का कैसे रखना है, क्योंकि अनगिनत बार वह पाठ बजाया है, नथिंग न्यू, 5000 वर्ष का ये साइकिल है और हमेशा हमने ये साइकिल बजाया ही है, पाठ बजाई है हमने, ये रिपीटिशन हो रहा है इस पाठ का, तो नथिंग न्यू है। ये स्मृति कर्मयोगी बना देती है, मतलब कि हम उस समय क्या कर पाते हैं, कोई परिस्थिति आती है तो उस समय हम परमात्मा की याद में ये कर्म कर पाते हैं। वे हर काम मौज से करते हैं, क्योंकि उनको पता है जो भी हो रहा है अभी इस समय, उसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट या रोल प्ले कर रही है। अगर आपको ये वीडियो सुनते हुए तेज़ आवाज़ें आ रही हैं पीछे बैकग्राउंड में, तो नथिंग न्यू, ये पहले भी हुआ था 5000 साल पहले और अभी भी हो रहा है। कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है, गुस्सा करने की बात नहीं है, इरिटेट होने की बात नहीं है। तो ये ज्ञान हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम अपने आप को एकाग्र बना के रखें। वह हर काम मौज से करते हैं, उन्हें किसी के प्रति कोई ना घृणा, किसी के प्रति कोई ना नफरत होती है, वो ड्रामा के सारे राजों को जानते हैं। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान, अगर आप जानना चाहते हैं सीक्रेट्स हैं कैसे हैं, कैसे आप इतना अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, कैसे आप चिंता में नहीं आ सकते, कैसे आप अपने मूड ऑफ नहीं हो सकते, तो उसके लिए आपको ये त्रिकालदर्शी तीनों कालों का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि 7 दिन के ईश्वरीय कोर्स में कराया जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज के। इसके साथ ओम शांति।